वेल्थ किसे नहीं पसंद है वेल्थ क्रिएट करना एंड इज वेल्थ राइट तो पहले तो पता होना चाहिए कि वेल्थ का मतलब क्या है वेल्थ का मतलब ये नहीं होता है कि यू नो मनी अर्न करना नहीं वेल्थ मीन्स दैट आपके पास इतना है इतना है भगवान का दिया हुआ उनके ब्लेसिंग से कि आप जितना खर्च करें मगर आपके खजाने में आपके ट्रेजर में कहीं किसी चीज की कोई कमी ना रहे हेलो एवरीवन माय नेम इज ऋतु कोहली और आज मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे और जैसे कि मैंने बोला हम बात करेंगे दैट हाउ टू क्रिएट वेल्थ यू नो इन योर लाइफ और उसके लिए हमें चाहिए एक अपने घर में एक कॉर्नर जिसको हम बनाएंगे वेल्थ कॉर्नर ठीक है और क्या क्या चीज़ें चाहिए रहेंगी उन सब यू नो you know, उस वेल्थ कॉर्नर को क्रिएट करने में कैसे उस वेल्थ कॉर्नर को आपने क्रिएट करना है कैसे उसकी क्लेंजिंग करनी है है ना तो ये ये सब चीजों से रिलेटेड जो है ये वीडियो मैंने बनाया है और इसको लास्ट तक देखिएगा तो सबसे पहले तो आप जाएंगे अपने घर के सेंटर में जाके खड़े हो जाएंगे ठीक है अम्म इतना तो हम सबको अंदाजा होता ही है कि हमारे घर का सेंटर कहाँ पे पड़ता है और साथ ही साथ आपने क्या करना है आपने अपने फोन पे कंपस एक रहता है सबके फोन पे आजकल इजीली अवेलेबल है नहीं है तो आप गूगल पे चले जाइए वहां पे आप कंपस खोलेंगे तो आपका खुल जाएगा राइट तो आपने कंपस खोलना है और उस कंपस को लेके आपने किस तरफ फेस करना है फेस टू वर्ड्स योर मेन डोर है ना कि जैसे मान लीजिए मैं इधर खड़ी हूँ सेंटर ऑफ माई होम और मेरा सामने जो है वो मेन डोर है ठीक है सो आई विल गो एन स्टैंड देर इन द मिडल ऑफ माई होम आप वहाँ पर खड़े हो गए और उसके बाद आपने कैम्पस खोला आप वहाँ पर जब आप कैंपस खोलेंगे तो देखिए कि आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर है अगर तो आपके घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ऑलरेडी टेम्पल है तो तो फिर बहुत ही अच्छी बात है और अगर टेम्पल नहीं है मान लीजिए है ना तो कोई बात नहीं है आपने सिर्फ जो है नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर आपने ढूंढना है कैंपस uh, के ऊपर की कहाँ पर है अब उस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को आपने तैयार करना है अपना उसको वेल्थ कॉर्नर बनाने के लिए कैसे करेंगे uh, वहां पे पहले कोई एक पर्टिकुलर एक जगह ढूंढ लीजिए फिर उसको हम जो है क्लेंस करेंगे उस एरिया को कैसे क्लेंस करा जाता है धूप ले लीजिए धूप बत्ती ले लीजिए और उससे जो है थोड़ा सा स्मोक इस तरह से ऐसे घुमा दीजिए जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं वो भगवान का नाम ले लीजिए और ये सोचिए कि आपका वो जो कॉर्नर है वो सारा का सारा उस स्मोक से जितनी भी कोई गंदगी थी वो सब जो है ऊपर यूनिवर्स में चली गई है है ना यूनिवर्स को थैंक बोलिए दैट थैंक यू यूनिवर्स फॉर एक्सेप्टिंग ऑल दी नेगेटिव एनर्जीज फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ माई होम एंड कन्वर्टिंग पॉजिटिव एनर्जीज राइट क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने सिर्फ नेगेटिव एनर्जी छोड़ तो नहीं अब वो नेगेटिव एनर्जीज में ही वो वहाँ पे घूम रही है नहीं उसको हमने कन्वर्ट भी करना रहता है कैसे बाय से दिस राइट सो आपने ये किया आपने वहाँ पर सारा क्लेंजिंग कर ली है अब क्लेंजिंग करने के बाद आपको चाहिए एक सुंदर सा कुछ बॉक्स में कहूँगी कोई भी अच्छा सा बॉक्स आप घर में खुद भी बना सकते हैं है ना आपके घर में कोई भी ऐसा बॉक्स पड़ा है जो अनयूज है बहुत टाइम से आपने यूज नहीं करा है तो पहले वो बॉक्स ले लीजिए जैसे कि ये देखिए मेरे पास एक कुछ इस तरह का ट्रेजर बॉक्स है ऑलरेडी सी ठीक है ये ब्रास में है आप कोई भी ले सकते हैं है ना तो इस तरह का ऐसे हमने ले लेना है ठीक है अब उसमें जो है मान लीजिए इन सेंसिटिक है अभी जैसे मैंने बोला कि आपने उसकी सारी क्लेंजिंग करी अब क्योंकि आपने घर में कोई भी बॉक्स लिया और यू नो अनयूज है बहुत टाइम से उसके अंदर क्या होता है कुछ टक एनर्जीज होती हैं उसको रिमूव करना है हमने तो धूप ली और इन इधर अंदर से दोबारा से ऐसे घुमा दिया है ना तो क्या हो गया आपकी क्लेंजिंग हो गई उस बॉक्स की अब इसमें चीजें क्या क्या डालनी है ये जरा ध्यान से सुनेंगे है ना अब ये आपका बॉक्स रेडी हो चुका है बनने के लिए आपका वेल्थ बॉक्स ठीक है सो so वेल्थ से रिलेटेड है तो डेफिनेटली सबसे पहले इसमें जाएंगे आपके पैसे है ना तो आपकी नोट में भी आप डाल सकते हैं ठीक है सो मान लीजिए अभी तो मैं जस्ट आपको दिखाई दिखा रही हूं ये मेरे पास टेन रुपी का है आप चाहें तो हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड जो भी आपको ठीक लगता है वो आप डाल सकते हैं ये आपने इसमें डाला ठीक है आप उसके बाद Uh, आप इसमें डॉलर की भी आप करेंसी डाल सकते हैं आप इसमें पाउंड जो भी है ना जिस भी कंट्री से आप देख रहे हैं सो so, वहाँ की कोई भी जो भी करेंसी है आप उस रिलेटेड इसमें आप डाल सकते हैं ठीक है सो so, मेरे पास जैसे ये कुछ क्वेंस हैं है ना वन का है टू का है राइट right? फाइव का है तो ऐसे करके आपने इसमें डाल दिया ठीक है अब ये तो हमारा हो गया पैसे अब क्या करेंगे यहाँ पे अब हम डालेंगे एक सिनेमन स्टिक ये देखिए ठीक है अब हमने डाली इसमें एक स्टिक सिनेमन स्टिक बेसिकली क्या करती है सिनेमन स्टिक जो है अबंडेंस को अट्रैक्ट करती है ठीक है तो को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने एक सिनेमन स्टिक डाल ली इसके साथ हम डालेंगे ग्रीन इलायची अभी मेरे पास फिलहाल नहीं है तो आप ग्रीन इलायची जो है तीन ग्रीन इलायची आप इसमें डाल देंगे ठीक है ग्रीन इलायची क्या करेगा अगेन माँ लक्ष्मी का स्वरूप हम जो, जो है ग्रीन इलायची को हम मानते हैं तो आप जो है डाल देंगे इसमें तीन ग्रीन इलायची साथ में आप डालेंगे मैं कहूंगी कि तीन क्लोव्स क्लोव्स क्या करता है नेगेटिविटी को रिमूव करता है यानी कि आपकी जो वेल्थ क्रिएट हो रही है उसे किसी की नजर ना लगे है ना तो क्लोव्स आप डालेंगे तो क्लोव्स भी है नहीं मेरे पास क्योंकि मैंने कुछ अपने क्रिस्टल्स रखे हैं तो इसीलिए राइट तो आप क्लोव्स डाल सकते हैं ये तो हो गया जो हमारे पास घर में सारी चीजें अवेलेबल है ठीक है अब क्रिस्टल्स की बात करते हैं जैसे कि मैंने बोला आ, कि आपकी जो वेल्थ क्रिएट हो रही है उसको किसी की नजर ना लगे उसके लिए मेरे पास है एक छोटा सा ब्लैक टर्मुल ठीक है तो अब मैं क्या करूंगी अब मैं कुछ क्रिस्टल्स आपको बताऊंगी तो ये ब्लैक टर्मलिन हमने लेना है छोटा सा ठीक है एस पर योर बॉक्स जितना भी यू नो आपको छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं ये मैं डालूंगी राइट right? अब मेन हमारा जो आता है पायराइट जिसको हम बोलते हैं फूल्स गोल्ड यस yes. ठीक है तो फूल्स गोल्ड यानी कि पाइराइट को अब मैं डालूंगी इसको इसमें ये क्या करेगा ये मेरी वेल्थ क्रिएट करने में यानी कि मेरा गोल्ड बनाने में ठीक है जैसे कि फूल्स गोल्ड कहा जाता है ये गोल्ड बनाने में आपको जो है हेल्प करेगा है ना जैसे कि हम बोलते हैं ना कि गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना चाहिए राइट आजकल तो गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं तो आप उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ठीक है सो एक ये हुआ ये डाला हमने पाइराइट राइट right? सबसे पावरफुल क्रिस्टल टू तो अट्रैक्ट मनी इन टू योर लाइफ अनादर वन इज ग्रीन एवेंचरिंग ये देखिए मेरे पास बॉल्स हैं ठीक है सो so, अब मैं डालूंगी ग्रीन एवेंचरिंग ग्रीन कलर क्या करता है रिप्रेजेंट ग्रोथ यानी कि ग्रोथ इन योर इनकम मनी राइट सो so, वेल्थ को क्रिएट करने में उसकी ग्रोथ होनी चाहिए ना वेल्थ की तो इस तरह से इसके लिए हम डालेंगे इसमें ग्रीन तो और क्या डालेंगे इसमें सिट्रीन ये देखिए ठीक है ये सिट्रीन का पॉइंटर हम इसे बोलते हैं सो so, अब हम सिट्रीन डालेंगे सिट्रीन क्या करता है सिट्रीन आपको देगा कॉन्फिडेंस आपकी विल पावर को यू नो एनहांस करेगा Uh, और आपके लिए नए डोर्स ओपन करने में यानी कि ऑब्वियसली आप जैसे वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि मेरे मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होने चाहिए तो ये उसमें आपको हेल्प करेगा ठीक है सो so ये करेगा कि आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा नए डोर्स ओपनिंग होगी ठीक है ये आपको उसमें हेल्प करेगा ये करा हमने डाला इसके अंदर ठीक है अब और दूसरा कौन सा है एक और है हमारे पास टाइगर आय ये देखिए टाइगर आय अगेन इट्स अ वेरी यू नो पावरफुल क्रिस्टल। ये क्या करेगा ये गुड लक आपकी लाइफ में लेकर आएगा ठीक है सो so, ये करेगा ये कि कहीं आपकी कुछ ब्लॉकेजेस होंगी अगर लाइफ में है ना वेल्थ को क्रिएट करने में अः अपडेंस क्रिएट करने में तो ये करेगा हेल्प आपकी आ, आपकी लाइफ में वो गुड लक लेकर आएगा ठीक है तो एक ये हुआ दूसरा इसके अंदर मैं कहूंगी जैसे कि हमारा ये आप बॉक्स देख रहे हैं ट्रेजर है ना खजाना खजाने के अंदर क्या होता है ज्वेलरी भी होती है पैसों के साथ साथ राइट तो अब हम यहां पे डालेंगे कुछ ज्वेलरी राइट आप आर्टिफिशियल या गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी आप डाल सकते हैं है, है ना सो तो ये हुआ जैसे मैंने इसके अंदर डाला ज्वेलरी ठीक है अब खजाना कैसा होता है बाहर निकल रहा होता है, है ना यानी कि ओवरफ्लो करता हुआ होना चाहिए राइट तो आप चाहें तो इसमें और भी जो भी आपको लगता है कि आपके घर में ऐसी कोई ज्वेलरी है तो आप उसमें पे आप डाल सकते हैं है ना तो ये आपने किया अब यहाँ पे सबसे अच्छी एक चीज एक और मैं बोलूंगी क्या हम डालेंगे खुद की पिक्चर और साथ में अपने स्पाउस की पिक्चर ठीक है अगर आप अनमैरिड हैं तो आप खुद की पिक्चर डालिए राइट right? तो जिससे कि आपकी करियर में ग्रोथ होगी है ना और अगर आप जैसे वेल्थ को देखिए जब एक कपल होता है तो दोनों मिलके आपस में यू नो वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे आप अपनी पिक्चर अपने स्पाउस के साथ यहाँ पे इसके अंदर आप प्लेस कर सकते हैं कौन सी छोटी सी पासपोर्ट साइज़ जो कि इसके अंदर ईजिली आ जाए राइट right? अब उसमें जो है आपने क्या करना है अपनी पिक्चर के पीछे बैक साइड में राइट right? आप लिख दीजिए दैट आई एम हेल्दी सॉरी वेल्दी ठीक है तो आपने क्या लिखना है आई एम वेल्दी और साथ में नीचे जो है नाम लिख दीजिए अपना या सिग्नेचर कर दीजिए राइट right? और ऐसे ही अपने हस्बैंड के पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के पीछे आप लिख सकते हैं दैट आई एम वेल माय हस्बैंड या आप अपने हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हैं मान लीजिए रमेश करके है ना uh, रमेश इज वेल राइट तो ऐसे करके आपने नाम भी लिखते हैं और साथ में पूरा आप नीचे एज अ सिग्नेचर या जो भी हो सके तो अपने हस्बैंड से लिखवाइए राइट right? उस पासपोर्ट uh, पिक्चर के पीछे और अगर वो नहीं राजी होते हैं सम ना कई बार नहीं मानते हैं है ना हस्बैंड्स कई बारी नहीं भी मानते हैं मेल मेल पीपल राइट सो कोई बात नहीं है आप उनके बिहाफ पे आप कर सकते हैं ठीक है तो आपने क्या करना है वो पिक्चर इसमें डाल देनी है मगर करिए तो पूरे फेथ के साथ करिए है, है ना ऐसा नहीं कि अच्छा मैं अपने हस्बैंड की डाल तो रही हूँ पता नहीं वो मानते हैं नहीं मानते है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा नहीं करना है जो भी करना है पूरे फेथ के साथ करना है इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए देखिए जब हम मंदिर जाते हैं भगवान के आगे खड़े होते हैं और कुछ प्रे करते हैं तो हम पूरे दिल के साथ करते हैं है ना कई बार बिल्कुल दिल से आवाज निकलती है तो ऐसे ही जो भी आप ये करें तो पूरे दिल से करें ठीक है ना कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होने चाहिए फिर उस चीज को करने में राइट तो आपने क्या करा आपने उसमें डाली पिक्चर्स ठीक है अब ये पिक्चर्स डालने के बाद आपने जो है अपना देखिए जैसे मैंने बंद किया इसे है ना अब इसमें से थोड़ा सा ये बाहर निकल रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि आपने थोड़ा सा बंद किया और थोड़ा सा उसमें मतलब ऊपर तक भर जाना चाहिए आपका राइट और इसको ताकि क्या कहते हैं मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वेल्थ ओवरफ्लो हो रही है ठीक है ना तो मतलब आपके पास इतना है इतना है देने के लिए Uh, कि आपकी वेल्थ में कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी कभी नहीं रहेगी राइट सो so, ऐसे करके आपने अपना वेल्थ बॉक्स क्रिएट करना है और अब आप जाएंगे इसको अपने वेल्थ कॉर्नर में जाके प्लेस कर देंगे ठीक है जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट आपका वेल्थ कॉर्नर रहेगा तो आपने वहां पे जाके इसको प्लेस कर देना है ठीक है नॉर्थ ईस्ट नहीं तो नॉर्थ डायरेक्शन में भी करते हैं कर सकते हैं क्योंकि वो कुबेर महाराज का स्थान होता है तो वहां पे भी आप कर सकते हैं ठीक है ना तो बस इतना आपने करना है अब इसको चार्जिंग करते रहना बहुत ज़रूरी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लाइक यू नो आफ्टर एवरी लाइक फुल मून है या न्यू मून है उस टाइम पे आप ये कर सकते हैं कि आपने धूप दिखा दी जैसे मान लीजिए आपने अपना वेल्थ बॉक्स खोला और थोड़ा सा फिर से एक इंसेंस टिकली थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके घुमा दिया और ऐसे ऐसे कर करके थोड़ा सा उसको शेक कर दिया है ना तो एनर्जी मूव हो गई है ना चक नहीं है और इसमें से मैं कहूंगी कि थोड़ा थोड़ा जैसे कि इसमें मैंने बताया कि मैंने टेन रुपीस जैसे रखे हैं तो आप इसमें ऐसा कुछ रख भी सकते हैं जैसे कि टेन फिफ्टी ट्वेंटी ऐसे करके आप उसमें नोट्स रखिए उसमें से कुछ कुछ निकाल के खर्च करते जाइए फिर इसमें और ऐड करते जाइए आपने जहां खर्च किया थोड़ा सा और ऐड कर दिया है ना ये बिल्कुल भूलिएगा मत ऐसा नहीं कि आपने बना के वहां रख दिया राइट तो ये जरूर से करिएगा की बनाया उसमें से खर्च किया और फिर वापस से आपने उसमें ऐड करते कर चले गए है ना तो ये आप कर सकते हैं जैसे मान लीजिए आपने अपनी कोई रिंग यहाँ पे रख दी आपने रिंग निकाल के पहनी और फिर पहनने के बाद वापस से आपने यू you नो know, इस ट्रेजर बॉक्स में आपने रख दी है ना तो ये हम आ, हमें करते रहना पड़ेगा सो दैट कि वो इनकम का फ्लो आपका अच्छा रहे मनी फ्लो आपका अच्छा रहे और आपकी वेल्थ जो है वो क्रिएट होती रहेगी राइट सो आई रियली हो कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो और इसको करिएगा जरूर पूरे दिल से करिएगा और फिर देखिएगा कि किस तरह से आ, आपकी लाइफ में आप और आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ ठीक है कैसे आप जो है मिल वेल्थ क्रिएट करते हैं है ना आ, अपनी अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अपने लव्ड वंस के लिए राइट सो so, एक ये मतलब मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इसके ऊपर वीडियो बनाने की बट आ, कभी कोई टॉपिक दूसरा आ जाता था माइंड में पर मैंने कहा नहीं यार ये वीडियो बहुत अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग है तो ये मुझे जरूर आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए नॉलेज ठीक है ना सो so, जाने से पहले मैं चाहूंगी कमेंट सेक्शन में लिख के जाए आफ्टर सीइंग माय वीडियो आई एम वेल्दी ठीक है आई एम वेल्दी ये जरूर से लिख के जाए बिकॉज जब आप लिखेंगे तो आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी वेल्थ के साथ अलाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी और ध्यान रखिएगा जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं जितने भी मेरी यू नो रिचुअल्स हैं एंजल नंबर्स हैं स्विच वर्ड्स हैं जो भी मैं बताती रहती हूं उन सब के साथ एक चीज बहुत जरूरी है एक्शन लेना ठीक है एक्शन लेने में पीछे मत रहिएगा जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे तब तक आप अपनी लाइफ में वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो एक्शन लेते रहना बहुत बहुत जरूरी है है ना जो भी मैं बताती हूँ जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ जो भी चीज़ करें पूरे ट्रस्ट और फेथ के साथ करें है ना और साथ ही साथ प्लीज ध्यान रखिएगा एक्शन लेते रहिए लाइफ में राइट नहीं तो क्या होता है कि एनर्जी फिर स्टक हो जाती है यानी कि एनर्जी फ्लो नहीं होती है और एनर्जी फ्लो नहीं होगी तो आपके जो रुके हुए काम होंगे ना वो भी रुके ही रहेंगे या तो बहुत स्लो आपके चलेंगे है ना बहुत स्लोली आपकी आ, आपके काम खत्म होंगे ठीक है सो so, इस वीडियो में इतना ही और जाने से पहले बोलिएगा मत लिखना जरूर दैट आई एम वेल्दी थैंक यू थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल विद ऑल दी अब एंड प्रॉस्पेरिटी एंड आई लव यू ऑल एंड do share and subscribe my uh, this channel and do share this video with your loved ones god bless you all